हेलो फ्रेंड, ट्रिक टू लर्न क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 3 मई 2020 का करंट अफेयर लेके आया हूँ और इसमें मैंने सबसे पहला बात किया है किसका, तो डिस्कस प्रो महिला एथलीट खिलाड़ी संदीप कुमारी पर 4 साल का बैन लगा दिया गया है। अब हम लोग बात करते हैं कि ये डिस्कस प्रो कौन सा खेल है। तो इसको हिंदी में चक्का फेंक प्रतियोगिता कहा जाता है, जिसमें महिला खिलाड़ी जो है संदीप कुमारी पर 4 साल का बैन लगा है। बेसिकली हुआ क्या है कि ये डोप टेस्ट में आपकी फेल हो गई है, डोपिंग मामले में जो है इन पे बैन लगाया गया है। एक आपकी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका नाम है विश्व डोपिंग विरोधी एजेंसी, शॉर्ट में उसको वाडा कहते हैं, उसकी एथलेटिक्स इंटीग्रिटी इकाई ने जो है इनके ऊपर 4 साल का बैन लगा दिया है। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड ट्यूना डे। अब वर्ल्ड ट्यूना डे कब मनाया जाता है, तो 2 मई को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड ट्यूना डे मनाया जाता है। देखिएगा, वर्ल्ड ट्यूना डे मनाने की जो घोषणा है संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो है 2016 में की थी, और पहली बार जो है वर्ल्ड ट्यूना डे 2 मई 2017 को मनाया गया था। वर्ल्ड ट्यूना डे में है क्या, तो मछली के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक कराना जो है इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है आपका विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है 3 मई को मनाया गया, जिसमें भारत को जो है 142वां स्थान दिया गया है। और इस बार जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है, इसका थीम क्या था, तो इसका थीम था कि पत्रकारिता बिना डर या एहसान के। क्या था, पत्रकारिता बिना डर या एहसान के जो है इसका थीम था। मैं आपको बता दूं, विश्व प्रेस दिवस जो है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1993 में मनाने की घोषणा की गई है, तब से लेके आज तक जो है ये आपका मनाया जाता है। अगला है, लोकपाल के मेंबर रह चुके जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी का कोविड-19 से 2 मई को मृत्यु हो गई। देखिएगा, लोकपाल के ये मेंबर रह चुके हैं जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी, जो आपके कोरोना संक्रमण के कारण 2 मई को इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। नेक्स्ट आपको पॉइंट है कि अमेरिकन अकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज में अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में किन किन भारतीयों को चयनित किया गया है, तो पहली है शोभना नरसिम्हन, इनको चयन किया गया है। दूसरा है विमन बागची, इनको चयन किया गया है। तीसरा है कविता सिंह, इनको चयन किया गया है। ये 3 भारतीय हैं जिनको इसमें चयन किया गया है। अगला पॉइंट है, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में 17 राज्य शामिल हो गए हैं। देखिएगा, धीरे धीरे देखिएगा, इसमें राज्यों की संख्या बढ़ती जा रही है। पहले 2 थे, 2 से फिर 5 हो गए, अब 12 राज्य शामिल हुए हैं, 17 राज्य हो गए वन नेशन वन राशन कार्ड में। वन नेशन वन राशन कार्ड है क्या, तो इसके बारे में जान लेते हैं। देखिएगा, वन नेशन वन राशन कार्ड में ये है कि अगर आपके पास इन 17 राज्यों में से किसी एक राज्य का राशन कार्ड है, तो आप इनमें 17 राज्यों में जाकर अपना जो है राशन कार्ड का लाभ उठा सकते हैं। अनाज वगैरह जो भी आप जो है कोटा वगैरह से उठाते हैं, उसको आप यहां से ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, परिवहन एवं राजमार्ग के सचिव किसको नियुक्त किया गया है, तो गिरधर अरमाने को जो है परिवहन एवं राजमार्ग का सचिव नियुक्त किया गया है। वहीं सूक्ष्म लघु व मझौले उद्यम मंत्रालय का सचिव किसको नियुक्त किया गया है, तो अरविंद कुमार शर्मा को जो है इसका सचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है आपका, रंग भेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले कार्यकर्ता डेनिस गोल्डबर्ग का निधन हो गया है, और ये कहाँ के थे, तो दक्षिण अफ्रीका के। जो आपके डेनिस गोल्डबर्ग थे दक्षिण अफ्रीका के थे, जो लंबे समय से रंग भेद के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे, जिनकी क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अमेरिका ने बौद्धिक संपदा संरक्षण के लिए भारत को प्राथमिकता की सूची में रखा है। देखिएगा, भारत सहित 10 देश जो हैं आपके इस सूची में शामिल किए गए हैं, अब जाके भारत को जो है इस सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, ओपन बजट सर्वेक्षण में बजट पारदर्शिता एवं जवाबदेही के मामले में भारत का स्थान कितने नंबर पर है, तो 53वें नंबर पर है। देखिएगा, बजट की पारदर्शिता के मामले में जो भारत है वो 53वें नंबर पर है। पहले नंबर पे कौन है, तो न्यूजीलैंड में जो बजट पेश किया था उसमें काफी ज्यादा पारदर्शिता रहती होती है। ठीक है, और ये जो पूरा आंकड़ा है किस अंतरराष्ट्रीय संस्था ने प्रस्तुत किया है, तो उसका नाम है इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप ने ये सर्वे किया है, जिसमें भारत को 53वां स्थान दिया गया है। एक आपकी पुस्तक है जिसका नाम है प्रोफेसर बीबी लाल, इंडिया रीडिस्कवर्ड। ठीक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो प्रहलाद सिंह पटेल।
प्रहलाद सिंह पटेल जो हैं वो प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड नामक पुस्तक के क्या हैं, लेखक हैं, और प्रहलाद सिंह पटेल जो है केंद्रीय संस्कृति मंत्री हैं। अब हम लोग बात करते हैं इस पुस्तक के बारे में, किसके बारे में बताया गया है। तो जो आपके बीबी लाल थे, जो भारत के प्रसिद्ध पुरातात्विकविद थे, उनके बारे में इस पुस्तक में बताया गया है। नेक्स्ट है आपका फेड कप। फेड कप हार्ट अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा जो है फेड कप हार्ट अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला है। याद रखिएगा, जो इनका ऑनलाइन चुनाव हुआ है, ऑनलाइन इसकी वोटिंग भी हुई है, जिसमें इनको प्रथम स्थान दिया गया है। और सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से? तो टेनिस से है। नेक्स्ट है आपका सभी नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है भारत का पहला राज्य है जो अपने सभी नागरिकों को क्या करेगा, मुफ्त जीवन बीमा प्रदान करेगा। और किस योजना के तहत ये प्रदान करेगा? तो उस योजना का नाम है महात्मा ज्योतिबा फूले जन आरोग्य योजना। इसके तहत महाराष्ट्र जो है अपने प्रत्येक नागरिक को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करेगा। नेक्स्ट है आपका सयाजी राज गायकवाड़ थर्ड नामक पुस्तक के लेखक को, देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा वो हो गया है, तो थर्ड है ये, ठीक है, तो फिर से सुन लीजिएगा। सयाजी राज गायकवाड़ थर्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो उमा बाला सुब्रमण्यम जो है वो इस पुस्तक के लेखक हैं, जिसमें सयाजी राज गायकवाड़ जो आपके बड़ौदा के महाराजा थे उनके बारे में जो है बताया गया है। नेक्स्ट है आपका सर रिचर्ड हेडली पदक किसने जीता है? तो सर रिचर्ड हेडली पदक जो है रॉस टेलर ने जीता है। जो रॉस टेलर जो है न्यूजीलैंड के आपके बल्लेबाज हैं, जो तीसरी बार इस पदक को जीते हैं। नेक्स्ट है आपका संक्रमण मुक्त करने वाला एक माइक्रोवेव स्टरलाइजर का क्या नाम है? तो अतुल्य। देखिएगा, अतुल्य जो है संक्रमण मुक्त करने वाला एक माइक्रोवेव स्टरलाइजर है, ठीक है। और ये जो आपका स्टरलाइजर है वो पुणे स्थित रक्षा संस्थान द्वारा बनाया गया है, जो क्या करेगा, 56 से 60 डिग्री सेल्सियस तापमान में विभेदकारी हीटिंग की मदद से कोविड-19 वायरस का विघटन करने में सक्षम है ये आपका, ठीक है। अतुल्य जो है वो आपका 56 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तापमान में विभेदकारी हीटिंग की मदद से कोविड-19 वायरस का क्या करता है, विघटन करता है। नेक्स्ट है आपका आरबीआई ने सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द करने का फैसला किया है। याद रखिएगा कि सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक जो है आपका महाराष्ट्र और पुणे जो आपका एरिया है वहाँ पे दिख नहीं रहा क्या, ठीक है, जो सीकेपी आपका जो है आपका महाराष्ट्र और पुणे जो एरिया है वहाँ पे ये काम करता है। और सीकेपी की स्थापना जो है आपका 1915 में हुई थी, जिसे अब आरबीआई इसका लाइसेंस रद्द करने के लिए बात कर रहा है। अगला है हुडको, HUDCO, हुडको जिसका पूरा नाम है आवास एवं शहरी विकास निगम के नए CMD किसको नियुक्त किया गया है? तो आपके शिवदास मीणा को जो नियुक्त किया गया है। शिवदास मीणा जो है 1989 तमिलनाडु बैच के IAS हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं हुडको क्या है। तो देखिएगा, हुडको पहले ही नाम से स्पष्ट होता है कि आवास एवं शहरी विकास निगम है, जिसकी स्थापना 1970 में होती, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।